गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए कक्षा आठ हिंदी। कक्षा आठ के बच्चे ध्यान देंगे, आपके हिंदी विषय में पाठ दो चल रहा है, जिसमें एक पैराग्राफ हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। अपराजिता जो एक विकलांग लड़की की कहानी है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। उसकी कोठी का अहाता एकदम बंगले के अहाते से जुड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। उसकी कोठी का अहाता एकदम बंगले के अहाते से जुड़ा था, यानी कि दोनों आपस में जुड़े हुए थे। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा था, उस लड़की को तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर कर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दी और भीतर चली गई। प्रौढ़ा युवती ने एक युवती ने जो है व्हील चेयर निकाला और कार से उतर करके वो विकलांग लड़की अपने घर के भीतर में चली गई। आगे देखते हैं। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार में एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर वैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मतलब इतनी बारीकी के साथ, बड़ी तटस्थता के साथ जो है, बड़ी चालाकी के साथ वह विकलांग लड़की अपने आप को संभालते हुए फिर से उस कोठी के भीतर चली गई, व्हील चेयर को चलाते हुए। ये दृश्य जो है लेखिका महोदय देख रही थी, उस विकलांग लड़की के बारे में सोच रही थी। फिर क्या हुआ, मैं फिर नित्य नियत समय पर इसका यह विचित्र आवागमन देखती रही और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए जा रही हो। यानी लेखिका महोदय जो है अपने मन में कल्पना करती हैं उसकी कार्य को देखकर, उसके कार्य दक्षता को देख करके, कि जैसे कोई मशीन हो, बटन दबाते ही फटाफट अपने कार्य को करती रहती है, वैसे ही वो विकलांग लड़की थी। बिल्कुल सारे काम को वो बड़ी होशियारी के साथ करती थी, बड़ी फुर्ती के साथ करती थी। अब देखिए, धीरे धीरे मेरा उसमें परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय एवं धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। सोच लीजिए, वो बित्ते भर की लड़की, वो विकलांग लड़की लेखिका महोदय को किसी देवांगना, यानी किसी देवी देवता की लड़की से कम नहीं लगी, किसी देवी से कम नहीं लगी। उसके अंदर अद्भुत शक्ति थी। सोच लीजिए, जिसके हाथ काम ना करे, जिसके पैर काम ना करे, आप जान लीजिए कि वो फटाफट दौड़ दौड़ के काम कर ले रही है व्हील चेयर के सहारे, तो कितना जो है बुद्धिमान है और कितनी स्टिक है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। फिर देखिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आँखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से लज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया, लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। मतलब उस लड़की की तुलना जो है लेखिका महोदय उस गोरे लड़के से करने लगी कि आज इसके हाथ पांव नहीं है, लेकिन कितना प्रसन्न होकर के सारे काम को लड़की कर ले रही है। और वो हमारे रिश्तेदार के यहाँ मैंने देखा था, वो गोरा लड़का जो परीक्षा देने गया था इलाहाबाद में और चलती ट्रेन के जरिए उसके हाथ कट गए, दायां हाथ कट गया, जिससे वो बिल्कुल खिन्न हो गया, अपनी ज़िंदगी से उदास हो गया, हाथ उसका चला गया। अब उसके बारे में समझाती हैं। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा। मतलब जब उसका हाथ कट गया तो इतना चिंतित हो गया, इतना चिंता में डूब गया कि मेरे हाथ तो चले गए, मैं अपाहिज हो गया। और चिंता के मारे वो धीरे धीरे जो है अपनी मानसिक स्थिति भी खो गया, यानी कि वो पागल सा हो गया, संतुलन जो है उसका बिगड़ गया।
पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, मतलब टेंशन के मारे कि मेरे हाथ चले गए, हम कैसे काम करेंगे, हम अब हमारा आगे का जीवन कैसे बसर होगा। वो जो है नशे की गोलियां खाने लगा, उसको भुलाने के लिए, थोड़ा सुकून पाने के लिए। अब और अब नूर मंजिल की शरण ली है, केवल एक हाथ खोकर ही, एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आँखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएँ। अब जो है वही लड़का जा करके जो है नूर मंजिल जो कि लखनऊ में है वहाँ शरण लिया है, वहाँ जो है पागलों का इलाज किया जाता है। तो आज बस इतना ही, अगले पार्ट में अगला वीडियो आपको आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद।